हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम दुल्हन दुल्हा का चेहरा बनाना सीखेंगे, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। और हाँ, मेहंदी को शुरू से बारीकी से सीखने के लिए और मेहंदी की नई नई डिज़ाइन पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी मेहंदी डिज़ाइन आपसे छूटे ना। दुल्हन के माथे के लिए हम पहले सी की तरह ऊपर माथा बनाएंगे, उसके बाद उसी लाइन को लेते हुए उसका नाक ऐसे बनाएंगे कि उभरा हुआ हो, जैसा कि वीडियो में आपको दिख रहा है। उसके बाद हम उसका ओट और उसके नीचे के हिस्से को बनाने के लिए हम जो अभी हम बनाए हैं उसी को रिपीट करेंगे, जैसा कि देखिए वीडियो में मैंने रिपीट किया है। इसके बाद मैंने बिंदी लगाया है और मांटिका के लिए गोल बना दिया है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमें आसानी हो कि हमें आँख कहाँ पर बनाना है। तो देखिए, इसी को हमने आधार मानते हुए यहाँ पर मैंने आँख बना लिया। चलिए, आँख तो बन गया, अब हम क्या बनाएंगे? बाल बनाएंगे। बाल के लिए हमने क्या किया है, जो मांडिका था उसी से ही मांडिका का चैन लेते हुए मैंने लाइन खींचा है और फिर उसके पीछे बाल के लिए एक लाइन खींच दिया है। और फिर मांडिका को बिंदु से, मतलब मोतियों से बिंदी बिंदी रखा है, लगे कि मोती लटक रहा है। उसके बाद मैंने कान के लिए बाली लिया है, बाली में ही झुमका लगा दिया है, यहाँ पर लाइनिंग लाइनिंग दे दिया है ताकि लगे कि हाँ झुमका लग रहा है, पहनी है दुल्हन। उसके बाद मैंने जूड़ा बना दिया है। फिर फ्लावर के लिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग लाइनिंग दे दिया है, देख रहे हैं आप, समझ रहे होंगे कैसे मैंने जूड़ा को भरा है, फिल कर दिया है डिजाइन से। इस तरीके से पूरा जूड़ा फिल हो गया। और फिर चुन्नी के लिए मैंने लाइनिंग खींच दी और फिर पॉइंट पॉइंट देते हुए एक फ्लावर का रूप दे दिया इसको। ऐसी को ही पूरे चुन्नी पे भर देना है। उसके बाद बाल को मेहंदी से ही कलर कर देना है। नथिया के लिए हम क्या करेंगे, नाक जहाँ मैंने बनाया था उसको आगे से नथ को ले जाते हुए पीछे की ओर जोड़ देंगे। इस तरीके से नथ बन जाएगा। और नथ का लर बनाने के लिए, चैन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग खींचते हुए बिंदु दे दिए ताकि मोती की तरह लगे। फिर उसके बाद गले पे हम क्या करेंगे, यू शेप को ही रिपीट करेंगे, वापस से यू शेप रिपीट करते हुए इसका हार बना देंगे। फिर एक और हार बनाएंगे और हार बनाते हुए इसको हम उसे गोला शेप देकर वापस से उसे डिजाइन के रूप में दे देंगे इसका। चेहरा बनाने के लिए हम वैसे ही रिपीट करें जैसे दुल्हन के लिए किया था। माथे से नाक के लिए मैंने पहाड़ की तरह पहले माथे को थोड़ा सा उभरा हुआ बताया, फिर नाक को उससे भी ज्यादा उभरा हुआ बनाया। इस तरीके से फेस का साइड फेस का बेस तैयार हो जाता है। फिर नोज को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि फोरहेड का आईब्रो कहाँ से लेकर जाएंगे, तो वैसे ही इसको रिपीट करते हुए आईज बना देंगे। अब समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं, एक बार देखिए और देख के प्रैक्टिस करिए। देख के प्रैक्टिस करेंगे, एक बार बनाएंगे, दो बार बनाएंगे, तीसरी बार में एकदम बेस्ट बेस्ट बन जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक करके जरूर जाएगा और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको दुल्हन दुल्हा का चेहरा कैसा लग रहा है। देखिए फिर मैंने क्या किया है, फिर यहाँ पर मैंने कोट बना दिया। इसके बाद मैंने डिजाइन माथे पर जो मैंने जो टोपी पहनाई थी उसको हमने भर देना है। भरने के बाद इस तरीके से भरना है कि याद रखिएगा, एक ही डिजाइन को बार बार हमें नहीं भरना है, अलग अलग डिजाइन भरना है, एक में अलग एक में अलग। इस तरीके से टोपी भर जाएगा। इसके बाद हम जो कोट पहना रहेगा उसको हम भरेंगे, शैडेड देंगे, कोट को शैडेड देंगे। शैडेड देने के बाद हम उस पर पॉइंट पॉइंट बिंदी देंगे, उस पर पॉइंट पॉइंट बिंदी देंगे, ऐसा लगेगा कि मोती लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पे भी दुल्हन दुल्हा चेहरा कंप्लीट होता है। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा चेहरा। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।